अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वाधान में नवनिर्मित प्रेक्षागृह में प्रथम आयोजन सार्वजनिक रूप से किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्य वित्त सलाहकार प्रीति झा ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे की उप मुख्य कार्मिक अधिकारी गुरमीत कौर ने किया। जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे की प्रमुख वित्त सलाहकार प्रीति झा ने बताया कि पूरे विश्व में महिला हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने कार्यों से देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं तथा सेना में भी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य करेंगी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ कार्यस्थल पर पूरे मन से कार्य करते हुए महिला के सम्मान को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के संयुक्त मंत्री ओंकार सिंह, परवीर चौधरी, वंदना भारती, रेशमा गुप्ता, प्रतिमा गुप्ता, मंजू किरण, उषा, सरजीत कौर सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की प्रमुख वित्त सलाहकार प्रीति झा ने कहा, अब नीलों का विश्व भाला फहराया है। सभी जितनी भी महिलाएं हमारे सभागृह में और जितने भी हमारे पुरुष सहकर्मी हैं, उन सभी को अभिनंदन करती हूँ, उनका नमन करती हूँ। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे को एक युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाने की आप लोगों से अनुमति मांगती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत अच्छे जीवन की बोथ एट प्रोफेशनल एंड एट पर्सनल फ्रंट की भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर गुप्ता जी को ठीक लगे कि विमेन मल्टीटास्क कर सकती हैं और हम ही जननी हैं तो संरचना भी विश्व की हम ही करते हैं। तो एज सच विमेन्स डे जेंडर इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग बेटर हैं। थैंक यू। उपस्थित सारी महिलाएं, जैसे मैम ने कहा, मैं भली भांति उस पर विश्वास करती हूँ कि हम लोग इक्वालिटी नहीं मांगते, हमें चाहिए नहीं, बिकॉज हम बेटर हैं और हम मल्टीटास्किंग करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, और वर्क लाइफ बैलेंस को ये हमसे ही सीखे। मैं एक छोटी सी बात हर बार रिपीट करती हूँ और यहाँ सभी औरतों को मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ, जब कोई पुरुष वर्क प्लेस पे काम नहीं करता तो ये कहा जाता है कि ऐसा ही है, ये काम नहीं करता। लेकिन जब कोई औरत अपने काम में पिछड़ती है तो आप सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, आप सभी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये लेडी ऐसी ही है, ये तो काम नहीं करती हैं। लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, वो काम नहीं करती हैं। तो ये हमेशा मैं, मुझे लगता है ये पांचवीं या छठी बार रिपीट कर रही हूँ, हर फोरम पे मैं ये रिपीट करती हूँ। हम सेम एग्ज़ाम से आते हैं, हम सेम रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से आते हैं। पुरुषों को कभी भी प्रूव नहीं करना पड़ता है कि वो उस सीट के लिए कॉम्पिटेंट हैं, नीतियाँ हम लोगों के ऊपर होती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप केवल खुद को नहीं, सभी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलते हैं, ये बहुत छोटी बात है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों से भी करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, सब में यही नर्चर करें, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पर्सनली आके हम सब लोगों को इनवाइट किया। लेकिन आई एम सॉरी टू से टुडे आई लाइक टू एड्रेस द माय लेडीज फर्स्ट। जो वन इज द लेडी, उसको अपने आप खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सज धज के आए हैं अच्छे अच्छे किस चीज का, तो पहले हमें घर से शुरू करनी चाहिए। घर से शुरू कर करेंगे जहाँ लेडीज है, तो हर घर मैं सभी महिलाओं को इस
इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, और साथ में ही अपने पुरुष सहकर्मियों को भी कहूंगी कि जो एक जेंडर इक्वालिटी की थीम है उसको बिल्कुल समझकर और सभी महिलाओं की तरफ बिल्कुल एक क्वालिटी के हिसाब से देखना चाहिए। वैसे रेलवेज़ में इतना अच्छा सिस्टम है कि हम लोगों को कभी इनइक्वल फील होने का महसूस ही नहीं हुआ, तो ये मेरे ख्याल से एक दिन है, इसमें हमें इक्वालिटी नहीं मांगना है बट हमें उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देनी है एंड उनको एक थैंक्स देना है और ग्रैटिट्यूड देना है कि वो हम लोगों को ये आभास ही नहीं दिलाते 365 दिन में कि हम इक्वल नहीं हैं, और इस ये एक रेलवे मैन की जो स्पिरिट है वो उसको सल्यूट करना चाहूँगी मैं। बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी महिलाओं को मैं संदेश दूंगी कि वुमेन्स डे केवल ऑफिस तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए या वर्किंग वुमेन के लिए नहीं होना चाहिए, जो घर में भी महिला हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड वुमेन्स डे तभी सक्सेसफुल होगा जब हम लड़कियों से पहले अपने लड़कों को, भाइयों को और पतियों को ये सिखाएं कि वुमेन की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही अल्टीमेटली अगर नीचे से ही शुरू होगा तो वुमेन इक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ेगी।